दोस्तों, बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने फिल्म बाहुबली ना देखी हो। फिल्म ने अपने समय तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह फिल्म इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। साथ ही इस फिल्म के सभी कैरेक्टर भी यादगार साबित हुए। फिल्म के पहले पार्ट में सभी के मन में यह बात रह गई कि आखिर बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। बाहुबली 2 से पहले यह एक राष्ट्रीय सवाल बन गया था। आखिरकार फिल्म का दूसरा पार्ट आया और पूरा कंक्लूजन सभी के सामने आया। दोस्तों, जिन लोगों ने यह फिल्म देखी है उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि फिल्म में माता शिवगामी एक बच्चे को पानी से बचाने के लिए ऊपर हाथ में उठा कर रखती है, जो बाद में बड़ा होकर अपने पिता बाहुबली का बदला लेता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि माता शिवगामी में अपनी जान पर खेलकर जिस बच्चे की जान बचाई थी, दरअसल यह बच्चा महज 18 दिन की एक लड़की थी जिसने बाहुबली के बचपन का किरदार निभाया था। बता दें, इस लड़की का नाम अक्षता वाल्सन है, जिसके पिता बाहुबली फिल्म में प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। खबरों के अनुसार फिल्म के इस सीन की शूटिंग केरल में हुई थी। एसएस राजामौली इस बच्चे के रोल के लिए किसी लड़के को ही लेना चाह रहे थे, लेकिन इतना छोटा बच्चा उन्हें उस समय नहीं मिल पाया। इसके बाद डायरेक्टर ने अक्षता को ही इस रोल के लिए फाइनल किया। इस सीन की शूटिंग करीब 4 दिन में पूरी हुई थी। वही लड़की अक्षता अब काफी बड़ी हो गई है। हालांकि अभी वह बहुत छोटी है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होगी तब उसे एहसास होगा कि उसने भारत की सबसे बड़ी फिल्म में काम किया है। तस्वीर देखकर आप भी समझ जाएंगे कि ये बेहद ही क्यूट है।